आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मिर्चिला प्रवीण, आप बच्चों के बीच में क्यों खेल रहे हैं? बजाइए आप। क्या बजाइए? रुको, ये मेरा घर है, समझिए आप। नहीं लेकिन बुढ़िया भाभी, आपने क्या कहा था कि कोई भी बड़ा बीच में नहीं खेलेगा? अरे वो तो बाहर का कोई अनजान आदमी नहीं खेल सकता, बच्चों के माँ बाप खेले इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस तो बच्चों को ही मिलेंगे। बात प्राइस की नहीं है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है। सही कहा आपने, लेकिन ये तो उत्सव है, उत्सव दिल से मनाए तो ही अच्छा है। चलो चलो भाई, तुम क्यों रुके, बजाओ बजाओ बजाओ। अरे सुनो डैडी मम्मी, बच्चों के साथ आप लोग खेल सकते हैं, रासड़ा गरबा, आओ आप सब आ जाओ। बोलो श्री अंबे मात की जय। ये परांजपे, हाय इंस्पेक्टर परांजपे, तू क्यों आया यहाँ? आज बच्चों के लिए राउंड रखा है और तेरे बच्चे तो हॉस्टल में है ना, तो तेरा क्या काम है यहाँ? भाभी आ गया मुफ्त में खाने पीने। और कम खाना, हाँ पेट खराब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, जागृति टीचर आप यहाँ? अच्छा, ये तुम लोगों की टीचर है? हाँ, हमें पीटी और गुजराती सिखाती हैं। अरे वाह, आइए आइए मैडम, मोस्ट वेलकम। वेलकम ही है मिस्टर प्रवीण। मुझे आप बताइए कि बाहर गाड़ी पार्क करने की कोई सुविधा आपने तो प्रोवाइड नहीं की है, तो मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? वो तुम जानो, गाड़ी आप लेकर आई है। अरे आप ऐसा इर्रिस्पॉन्सिबल आंसर कैसे दे सकते हो? हमने कभी स्कूल में आपको ऐसा जवाब दिया है किसी बात का? स्कूल में हम तगड़ी फीस भरते हैं हमारे बच्चों की, इसलिए पूछना हमारा हक होता है और उसका जवाब देना आपका फर्ज बनता है। यार हमने वॉलंटरी फंक्शन रखा है, इसलिए किसी भी बात का जवाब देने के लिए मैं बंधा नहीं हूँ, समझिए आप। विनोद भाई आप, अच्छा तू बीच में मत आ। हाँ बोलिए। देखिए, ये जेसन और जेना को खेलने मत देना, ये दोनों हमेशा चीटिंग करते हैं। ए चेताली, ऐसा नहीं बोलते। देखा जैसा जाना, मैंने कहा था ना नहीं जाना है इन लोगों के घर। वो तो आपकी माँ ने स्कूल में नोटिस लगाई थी कि बच्चों के लिए स्पेशल राउंड है, तो इन लोगों ने जिद की इसलिए हम, वरना बच्चों चलो हमें नहीं खेलना। सुनिए 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 प्लीज, ए आप बच्चों की बात का बुरा मत मानिए। इन बच्चों की बात का बुरा मानती तो स्कूल छोड़ दी होती, पर बड़ों को तमीज कौन सिखाए? देखा अर्शद, ये ऐसी है, जब से स्कूल में भर्ती हुई है बच्चों को गुजराती सब्जेक्ट में इतना होमवर्क देती है, पहले तो मैं नहीं मानता था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तब पता चला। मिस्टर प्रवीण, बच्चे गुजराती में कमजोर है तो मेहनत तो करवानी पड़ेगी ना, और फिर मातृभाषा तो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए कि नहीं? हाँ तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना चाहिए ना, साल भर का एक ही दिन में सिखा देंगे आप? मिस्टर प्रवीण, आप मुझे मत बताइए कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। एक मिनट, शांति। प्रवीण भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी मेहमान है। और बच्चों यहाँ आओ, चलो मैडम के बच्चों के साथ हाथ मिलाओ, उन्हें वेलकम करो। हाँ चलो क्विकली, कम ऑन बेटा, वेलकम देम। वेलकम। आइए। अरे पर मेरी कार? लाइए, मैं पार्क कर देता हूँ आपकी कार। थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हर्षद, उसकी गाड़ी किसी दीवार को ठोक दे, जा। क्या प्रवीण भाई, टीचर के साथ कोई ऐसे बात करता है? दीवार को ठोक दे गाड़ी, जा। कॉमेडी। पोपटलाल कौन है जी? वो क्या है ना, ये बच्चों का राउंड है, यहाँ बड़ों को खेलना अलाउड नहीं है जी। पोपटलाल आदमी नहीं है, पोपटलाल गरबे के स्टेप का नाम है। ओ, तो
क्लियर करो ना जी। गुड़िया जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अच्छा किया आपने बच्चों के लिए स्पेशल राउंड रखा, वरना बड़े बीच में घुस के सत्यानाश कर देते हैं। आदमी नहीं खेल सकता, बच्चों के माँ बाप खेले इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस तो बच्चों को ही मिलेंगे। बात प्राइस की नहीं है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है। सही कहा आपने, लेकिन ये तो उत्सव है, उत्सव दिल से मना है तो ही अच्छा है। चलो चलो भाई तुम क्यों रुके, बजाओ बजाओ बजाओ। अरे सुनो डैडी मम्मी, बच्चों के साथ आप लोग खेल सकते हैं, रासड़ा गरबा आओ, आप सब आ जाओ। मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ रास गरबा करते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ हाँ। आप भी जाइए ना अपने मिस्टर को बुला कर, खेलिए अपने बच्चों के साथ। हाँ हाँ, हाँ बुलाइए ना। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप ऐसी लाल चटाक साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है। मीनाक्षी ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है तू? सॉरी हाँ, मैं इसके तरफ से आपकी माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, हमारे समाज के कुछ नियम है। हाँ, पर कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ बेमतलब के रिवाज जोड़ दिए हैं। हर एक को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार है। तुम अकेली सही, अपने बच्चों के साथ राज गरबा खेलो ना। जैसा जाना, मैं भी आ रही हूँ। का कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं कुछ करता हूं। बेटा धक्का तो नहीं, तुमने धक्का क्यों मारा जैसल को? अरे मैं जानबूझ के धक्का थोड़ी ना मारा। नहीं मेहुल, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने जानबूझकर इसे धक्के मारकर गिराया। आप मेरे बच्चे पर इल्जाम मत लगाइए। अरे मैडम, मैडम प्लीज। अरे क्या भाभी, माना कि धक्का लगता है, लेकिन क्या हर बार मेरे ही बच्चों को धक्का लगता है? स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में चैताली ने जैना को धक्का मारा और उसकी ड्राइंग पे पानी गिरा दिया। अरे ये तो मेरी जैना होशियार कि वो पानी वाले ड्राइंग पे भी अपनी कला से मॉडर्न आर्ट बनाया और प्राइज भी जीता। जिसकी मम्मी टीचर हो उसे तो वैसे भी प्राइज मिलना ही है। आप प्रिंसिपल से जाकर पूछिए, मैंने कभी अपना टीचर होने का गलत फायदा उठाया है आज तक? उठाया ही है। अरे जब से आपके बच्चे स्कूल में आए तब से मेरे बच्चों के बजाय आपके बच्चे फर्स्ट आने लगे। हो, तो मेरे बच्चे होशियार है इसीलिए फर्स्ट आते हैं। प्रवीण भाई प्लीज शांति रखिए आप। हाँ दिशा सो रही है। मीनाक्षी दिशा सो रही है इसलिए नहीं कह रही है, झगड़ा बंद करने को कह रही है। पर आपके बच्चे इस तरह चीटिंग करेंगे तो कैसे चलेगा? हा? अरे आपको प्राइज नहीं देना है तो मत दीजिए ना, हमें नहीं चाहिए प्राइज। जैसा जना हम चले प्लीज। थैंक यू। हाँ हम जा रहे हैं, चलो। एक मिनट मैडम, रिजल्ट तो सुनते जाइए। अरे रिजल्ट ही है सब, चलो। सुनिए सुनिए, बच्चों के राउंड के विजेता है जैसल और जैना।
बच्चों, जज भी गुरुजी होते हैं, उनके पैर छुओ। हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। अब मिस्टर हर्षद, मेरी गाड़ी कहाँ पार्क की है? हर्षद आपका नौकर नहीं है? एक तो आपकी गाड़ी पार्क कर दी, ऊपर से इस तरह से बुला रहे हैं उसे? ये है संस्कार। प्रवीण भाई जरा शांति रखिए। चलिए मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मैंने आपकी गाड़ी पार्क की है। चलिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलो चलो चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।